हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, RPF की तरफ से, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, SI और कॉन्स्टेबल दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है। लाखों बच्चे बेसब्री से सालों से इंतजार कर रहे थे। इसकी लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी, मतलब 5 वर्षों के बाद अभी आपकी वैकेंसी निकल के आई है। अच्छा खासा सीट है, 4660 सीट के लिए वैकेंसी रहेगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही तरह के पोस्ट रहेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप चाहते हो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से इन दोनों पोस्ट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसा कि पहले ही बता दिया है कि RPF के अंदर SI और कांस्टेबल दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट है 4660, RPF SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए 452, मतलब 500 सब इंस्पेक्टर का लगभग आपका सीट है। और बात करें कांस्टेबल के लिए तो 4208 सीट रहने वाला है। तो दोनों ही पोस्ट को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं SI यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि ऑफिशियली यहाँ पर आउट कर दिया गया नोटिफिकेशन कि आपका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। जब से रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था और उसमें SI का कोई जिक्र नहीं किया गया था, कांस्टेबल का नहीं था कि RPF का कब वैकेंसी आएगा, बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हो गए थे कि मतलब कब आएगा, क्या प्रोसेस है। देखिए, अप्लाई करने का डेट बता गया है 15 अप्रैल से 15 मई, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से आपका फॉर्म भी अप्लाई होने लग जाएगा। चलिए देखिए अप्लाई करते टाइम आपसे क्या फी लिया जाएगा। जनरल OBC से 500 रुपीज़ और अदर जो भी है EWS, SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे यहाँ पर 250 रुपीज़ फॉर्म फी लिया जाएगा। ये जो फी होता है ना रेलवे में, ये आपका रिफंडेबल होता है, जो कि CBT 1 में जो भी बच्चे एग्जाम के लिए बैठते हैं उनका रिफंड कर दिया जाता है। 500 में से आपका 400 रुपया और 250 का 250 पूरा वापस कर दिया जाता है। आप देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एज लिमिट के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। पहले देखते हैं कि एज लिमिट किस डेट से कैलकुलेट होगा। एज ऑन 1 जुलाई 2024, मतलब 1 जुलाई 2024 के अनुसार 21 वर्ष से 28 वर्ष, मतलब पहले जहां 21 वर्ष से 25 वर्ष था सब इंस्पेक्टर के लिए, यहां पर 21 वर्ष से 28 वर्ष, मतलब 3 वर्ष का सबको छूट मिल रहा है। साथ ही साथ OBC को 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, SC ST को 5 ईयर्स का मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे सभी ये सब इंस्पेक्टर की पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद फिजिकल में PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होता है, तब ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन की क्या प्रोसेस। देखिए, एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, उसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन आपको एक नंबर मिलता है, समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। अब विषय वाइज अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन होगा, मैथ से 35 क्वेश्चन और GK GS का 50 क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज रेलवे में 50 क्वेश्चन आपका GK GS से है, मतलब कि जनरल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर सबको कंबाइन करके क्वेश्चन होते हैं। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका फिजिकल होता है। तो आइए मैं फिजिकल क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। हाइट की जो मेजरमेंट होती है मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर होता है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल्स में जनरली 157 सेंटीमीटर है और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगा। अब जो रनिंग होती है, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है, फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है।
वहीं पर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है, मेल के लिए 12 फीट का, फीमेल के लिए 9 फीट का होता है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच आपका मेल के लिए और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फिर एग्जाम के बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो तब आपका डीवी होता है, मेडिकल होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है, आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है 35,400 रुपीज से स्टार्ट होती है और अप टू आपका 1 लाख सैलरी जाता है। पोस्टिंग की बात की जाए तो RPF के तहत आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पर पोस्टिंग दिया जाएगा वहां पर एज एन SI आपको सर्व करना पड़ेगा। चलिए अब अगली पोस्ट यानी कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई डेट सेम ही है, 15 अप्रैल से 15 मई। फॉर्म फी जनरल और अदर जो भी कैंडिडेट जनरल और OBC के लिए आपका 500 रुपीज रहेगा और उसके बाद अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज रहेगा। ये रिफंडेबल है, पहले ही समझा दिया है। एज लिमिट अगर बात करें तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 28 वर्ष, मतलब कि 18 से पहले 25 होता था, इस बार 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 वर्ष के लिए और SC ST को 5 वर्ष के लिए मिलता है। अब बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी RPF कांस्टेबल की। फ्रेंड्स सिंपली जिन्होंने भी 10th पास कर लिया है सभी इलिजिबल होंगे, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, आप पास हो 10th तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की प्रोसेस इसके लिए भी सेम ही रहेगा, ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, PET और PMT फिजिकल होगा, उसके बाद DV और मेडिकल, तब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। चलिए देखिए इसका एग्जाम क्या पैटर्न रहता है। ऑनलाइन एग्जाम में इसमें भी आपको 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए है और समय 90 मिनट, 1.5 घंटे का इसका भी एग्जाम होता है और निगेटिव मार्किंग 1/3 का। विषय वाइज बात करें तो जनरली जो भी रेलवे का परीक्षा होता है CBT 1 में आपको देखते होंगे जो जनरल एग्जाम होता है वही इसका पैटर्न है। रीजनिंग का आपका 35 क्वेश्चन है, मैथ का 35 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन होगा और GK GS 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। आई होप कि आप एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वालिफाई करते ही क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। तो चलिए मेल फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल की पोस्ट की फिजिकल बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होता है, मेल कैंडिडेट के लिए जनरली 165 सेंटीमीटर, SC ST का 160 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए आपका 157 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगा। रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है, फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप जो होता है 14 फीट होता है मेल कैंडिडेट का और 9 फीट फीमेल कैंडिडेट का, हाई जंप 4 फीट फॉर मेल और 3 फीट रहेगा फीमेल्स के लिए, और इसमें भी इसके बाद फिजिकल कंप्लीट करते ही आपका क्या होगा, DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी RPF के थ्रू आपको बताया जाएगा वहां पे सर्व करना होगा। सैलरी की अगर बात करें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 होती है, आफ्टर पर्स अलाउंसेज आपकी सैलरी 70,000 हो जाती है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। सीट भी 5,000 के करीब निकल के आया है। आई नो कि लाखों बच्चे वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट का एक्सपेक्टेशन था, पर ये बुरा नहीं है, रेलवे की तरफ से ये अश्योरिटी दी जा रही है कि हर साल अब वैकेंसी रिलीज किया जाएगा, तो तैयारी की स्पीड को करिए बूस्ट। एंड आई होप मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है मन में, तो कमेंट जरूर करके आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।